लोग को सबसे पहले चेहरा रख दिखाना है, और जो बोला था सबको 1 किलो रसगुल्ला देंगे, तो जो बोला था उसको 2 किलो देंगे। मर्जी है, वर्दी पहनाने का मर्जी था, BSF में हो गया सिलेक्शन, कहीं से वर्दी मिलेगा। यहाँ पे फीस काफी कम लगता है, इसी कारण तुम यहाँ आए थे, मेरे पास भी तो पैसा ज्यादा नहीं था, मतलब कम प्राइस में शायद कोई पटना चला। 3-4-5 महीने पहले मेरा होता ही नहीं था SSC का एग्जाम, उसका कारण रहता था, उसका कारण रहता था JKGS, काम किए हो गया। बच्चा नहीं हुआ है, हम यहाँ देखते हैं, पढ़ जाते हैं, यहाँ 400-500 बच्चा दिन भर में आता है, अभी भी देखते हैं बच्चे यहाँ पढ़ रहा है, आप लोग कहिए फोन आता है, मिस्टर होता है, देखिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो दूसरा पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ लो तो छोटा लगता है, और अगर कामयाब नहीं हो पाओ तो आप कल उसी लड़की के घर पे जाकर कुर्सी ठीक करोगे, है ना, शादी में। आप कामयाब हो जाओ तो कोई लड़की ये नहीं रहेगी, उसके माँ बाप खुद आपसे बात करेंगे, चलो लड़का पढ़ता है, कल फाइनल मेरिट लिस्ट आना है। बहुत करने का ठीक है बेटा, तुम तो फौजी बन गया, लेकिन कौन वाला बना है, 4 साल वाला की परमानेंट होगा। 11 एग्जाम में मेरा रिएक्शन मिल चुका है, और फिलहाल 6 एग्जाम मेरा कंटिन्यू रनिंग में है, 2 का फाइनल मेरे टेस्ट कल आया है, जिसमें एक साथ घर में 2-2 ज्वाइन लेटर पहुंचेगा, BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, और BSF हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का, और भैया तो गरीबों के मसीहा हैं ही, जिसमें 400 रुपये में 8 घंटा लाइब्रेरी, वो भी 8 घंटा की जगह कोई 10-12 घंटा लोग रहता है, हम तो जानते ही इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ, लेकिन भैया कभी कुछ बोलते नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मंथ पूर गया तो पैसा दो, तो यही बात नहीं है, बहुत सारा मंथ ऐसा हुआ कि जहाँ हम पढ़े एक आम मंथ ऐसा हुआ है कि हम नहीं पैसा दे पाए, लेकिन भैया हम कभी टोके नहीं, सैलरी 2 घंटा और एक्स्ट्रा रहत रही, हाँ हाँ भैया बोलत ना रही है, नहीं कभी आज तक भैया हमें कुछ नहीं बोला। पटना में लाइब्रेरी में हम 8 घंटा का बैच लिए हुए थे, लेकिन हम 10 घंटा रहते थे लाइब्रेरी में सुबह में। जोरदार क्लैपिंग यार, गया से आज से 1.5 साल पहले मेरे पास आए थे, और काफी नर्वस थे उस टाइम आने से पहले, और काफी कंफ्यूजन रहता था इनके लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन 1.5 साल का मैंने 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई के बाद आज BSF में हेड कांस्टेबल, और उसमें भी रेडियो ऑपरेटर का जॉब, यानी बहुत आसान जॉब है, सिर्फ कंप्यूटर पर काम रहना है, तो थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइब्रेरी का सम्मान बढ़ाए, और यहाँ आए गया से सम्मानित, सबको बारी बारी मौका देंगे हम क्वेश्चन पूछने का, स्टार्ट हम खुद से कर लेते हैं, है ना, तो पहले अंशु आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, किस जिला से आते हैं, क्या करते हैं फादर आपके, सबको बताइए। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं गया के एक छोटे से जगह पे, एक गांव है चिया, उसी से बिलोंग करता हूँ, आज से 1 साल पहले मैं यहाँ इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था, जिस टाइम मैं काफी नर्वस था, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने आप को काफी सेफ महसूस कर रहा हूँ, BSF हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के बाद, कल ही इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। अब पहले होता था कि आप आते तो नॉर्मल इसी सब खड़ा इसी फाइनल, आज आए आप सेलिब्रिटी की तरह सब खड़ा होकर देखें क्लैपिंग कर रहा है, कैसा फील लग रहा है? बहुत बढ़िया फील लग रहा है, वो तो हर फ्रेंड के जीवन में आना है एक दिन, लोग पढ़ेगा तो पक्का है कि वो लगेगा ही कहीं ना कहीं। मेरे पापा एक छोटे से किसान है, और मम्मी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, इनसे सपोर्ट कैसा रहता है फादर की तरफ से? आप कुछ दिन नीचे डिस्कस कर रहे थे कि 2 साल अराउंड घर नहीं गए ऐसा कुछ, हाँ कुछ लोग आज से 2.5 साल पहले गांव गए थे, तो गांव में मतलब ऐसा कुछ हमको बोल दिया गया जैसे हमको काफी बढ़िया नहीं लगा। क्या बोल दिए? लोग बोल दिया कि इसका नहीं हो सकता है, और हम पे तो बोला ही बोला, मेरे पापा पे भी बोल दिया, तो उसी टाइम हम गांव से निकल गए, और बोले कि अब जब भी गांव में एंट्री रखेंगे तो एक नौकरी लेकर ही रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। वो नौकरी रहा BSF हेड कांस्टेबल। और 2.5 साल हो गया, अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, मैं कल ही रिजल्ट आया फाइनल मेरिट लिस्ट शाम को, कल हम ITBP का फिजिकल देने के लिए गए थे छपरा, रिजल्ट देखे जैसे मेरा नाम था, फिर अभी तक घर भी नहीं गए, और कल घर ही आएंगे। कल आपके फादर को कॉल किए, कैसा रिएक्शन था? पापा का रिएक्शन तो काफी बढ़िया था, कॉल पे तो डांट उठ गई या खुश हुए या नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा खुश हुए, पापा मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए।
अच्छा ये बच्चा सब देख रहे, ये लोग को कैसे गाइड कीजिएगा? क्या इतना देर पढ़ते थे लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में हम 8 घंटा का बैच लिए हुए थे, लेकिन हम 10 घंटा रहते थे लाइब्रेरी में सुबह में। मेरा टाइमिंग 10 से 2 था, सीट नंबर 120 नंबर वही था। और 10 से 2 रहते, 10 से 2 और 2 से 6 ये मेरा टाइमिंग था। लेकिन हम अच्छा 2 घंटा और एक्स्ट्रा रहत रहनी है। हां हां भैया बोलत ना रहनी है? नहीं कभी आज तक भैया हमें कुछ नहीं बोले। जब पटना में नहीं जावा आज बने तो ऐसे तो बहुत लाइब्रेरी बा। ये जावा कैसे? हम तो थ्रू प्रधान जी के थ्रू आज बने जा, वहां के बतलाई नहीं कि ये जा के माने बारे में भैया ऐसा ऐसा हम ये अभी पढ़ा रहे हैं। रौदा कैसे है? मेरा भी भाई एक है मृत्युंजय, तो वो पहले यहीं पढ़ता था, तो घर में भाका ही प्रॉब्लम था, तो हम भी आ गए, सोचे कि चलते हैं पटना। तो पटना है तो उसको बोले कि कुछ लाइब्रेरी बताओ जिसे हमको जाना चाहते हैं, तो बोला कि पटना का सबसे सस्ता लाइब्रेरी यही है, यहीं पे चलो और यहाँ पर आए। और फिर यहाँ के बारे में कुछ बतलाइए, यहाँ तो सुने गरीबों के मसीहा से जाना जाने। हाँ भैया तो गरीबों के मसीहा है, ऐसे एक आरे के थी प्रूफ करो रहा कहीं सफल हो चुका होता है ना, हमारी का सफल बन जाए तो अभी हमारे पर क्या विश्वास ना रहो, कैसे बता सकते? नहीं भैया तो गरीबों के मसीहा है ही, जिसमें 400 रुपए में 8 घंटा लाइब्रेरी हो, भी 8 घंटा की जगह कोई 10-12 घंटा लोग रहता है, हम तो जानते ही इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ। लेकिन भैया कभी कुछ बोलते नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मंथ पूर गया तो पैसा दो दो, ये भी बात नहीं है। बहुत सारा मंथ ऐसा हुआ कि जहाँ हम पढ़े, एक आम मंथ ऐसा हुआ है कि हम नहीं पैसा दे पाए, लेकिन भैया हम कभी टोके नहीं, और जो कि भैया सैलरी आ जाती है। गाँव के ताना से तो पटना है, पढ़ाई साल तुम गाँव गए ही नहीं है, बहुत ज्यादा असफल नहीं की भाई? नहीं असफल असफल हुए हैं, बहुत ज्यादा असफल हुए थे। और बारे में तनिमनी के बतलाई, मेरा अभी फिलहाल मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, पटहट के एग्जाम दिए हैं और 11 एग्जाम में मेरा रिएक्शन मिल चुका है, और फिलहाल 6 एग्जाम मेरा कंटिन्यू रनिंग में है, 2 का फाइनल मेरिट लिस्ट कल आया है, जिसमें एक साथ घर में 2-2 ज्वाइन लेटर पहुंचेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का और बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का। और भारत माता की, और 1-2 महीना का इधर रह गए, तो 3-4 जॉब अभी कंटिन्यू रनिंग में है वो, अगर केवल किसी का टाइपिंग बचा हुआ है, किसी का केवल कुछ थोड़ा सा समझ बचा हुआ है, और का सपोर्ट काफी अच्छा था, लोग बोलता है गर्लफ्रेंड रहती है तो पढ़ नहीं पाएगा, ये नहीं वो सब कुछ नहीं था, हमको तो हम 12-12 घंटे लाइब्रेरी में रहते थे, हमको तो फोन भी नहीं करते थे वो, जब मन करता था तो हम ही करते थे। पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, आप पढ़ लो तो छोटा लगता है, और अगर कामयाब नहीं हो पाओ तो आप कल उसी लड़की के घर पे जाकर कुर्सी ठीक करोगे, है ना, शादी में। आप कामयाब हो जाओ तो कोई लड़की ये नहीं रहेगी, उसके माँ बाप खुद आपसे बात करेंगे, चल लड़का पढ़ता है। थे कि बेटा तुम तो फौजी बन गया, लेकिन कौन वाला बना है, 4 साल वाला की बनवाने का? जवाब है हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, जो पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर जो मुस्कुरा के चेहरा लगाते हैं और 50 रुपए का पेट्रोल 150 बेच रहे हैं, उन तक ये सवाल जाए, ताकि 4 साल वाला बाद बच्चा क्या करेगा उसका भी फैसला करे, है ना। और कौन स्ट्रेटेजी होके चाहिए? देखिए तैयारी करना एक ही स्ट्रेटेजी है, पहला जो भी एग्जाम हो उसका सिलेबस लिख लीजिए, आप सिलेबस को लिखिए, और जो जो मेन मेन, जैसे आप हमेशा मोस्टली लोग यहाँ पे SSC का तैयारी करते होंगे लोग, SSC एग्जाम का, SSC एग्जाम में मेनली मैथ है, फिर आपका रीजनिंग है, तो पहले मैथ का प्रिपरेशन हो गया, मैथ के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो मैथ में किसी भी एक टीचर का ले लीजिए, कोई भी टीचर, इतना यूट्यूब पे सब वही लोग आते हैं जो आपको सफल बना सकते हैं, किसी भी टीचर का आप एक बार पूरा थ्रू आउट नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा तो आपको गारंटी दे रहे हैं, हम 4 महीना से भी कॉपी नहीं छुए हैं, 20 नवंबर के बाद अभी तक कॉपी नहीं छुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले CRPF SCM का एग्जाम हुआ था, जिसमें से मैथ 25 में से 21 क्वेश्चन राइट करके आए हैं, और 4 महीना से कॉपी भी टच नहीं किए हैं। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जो एग्जाम आएगा वो, आज से 1 साल पहले हमसे बताएं, हमेशा हम छट जाते थे, 1 नंबर 2 नंबर कोस्ट गार्ड में, फाइनल मेरिट लिस्ट आउट 2-2 बार हुए हैं, फिर आपका एयरफोर्स 2 बार हुआ, एक बार हम GD में आउट हुए, एक बार हम उठक बैठक में हमको आउट कर दिया गया,
बिहार पुलिस में रनिंग में आउट में बहुत सारा मेरा रिजेक्शन है, लेकिन वही है कि जब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आज देखिए दो दो नौकरी घर में जाएगा, और वो भी एक दो महीना भी ज्वाइनिंग नहीं करवाए थे, तीन चार पांच पहुंच जाएगा फिर। कि हमारे घर में दू दू नौकरी जाइए तो पहले बहुत रिजेक्शन भेज उ रिजेक्शन के जब हो जाए तो ओकरा बाद घर के का रिजेक्शन रहते रहे एकरा बारे में बताइए। नहीं, घर के लोग तो काफी खुश हैं अभी, बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ऐसा वाला टाइम बताइए कि रिजेक्शन हो जाता था, नहीं सिलेक्शन होता, क्योंकि ये तो हर बच्चा के साथ हो रहा है ना, ये चीज कैसे हैंडल करते थे आप? डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते थे या फिर आगे दोबारा पढ़ने लगते थे? अगला बार निकाल लेकिन हम पटना आए थे तो हम एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आए थे पटना, तो एयरफोर्स का तैयारी किए थे और मेरा हुआ भी था, उससे जितने भी रिलेटेड एग्जाम था सब दिए थे, एयरफोर्स भी दिए, नेवी भी दिए, इंडियन कोस्ट गार्ड भी दिए, तो लगभग सही में हुआ था। लेकिन वही रहता था कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कभी छट गए, कभी उठक बैठक में। एयरफोर्स में एक बार क्या हुआ, जीडी में मेरा टॉपिक था, एक जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स में होता है, तो एयरफोर्स में वो जीडी में था टॉपिक मेरा ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन, और हम गाँव से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में बोलना था 10 लाइन, हम वहाँ पर बोल नहीं पाए, उसके कारण हमको छाट दिया। इस बार उठक बैठक में हमको छाट दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड में सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। उस मेरे टाइम पर कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो सोच लीजिए फौज का नौकरी है, विदाउट मेडिकल मेरिट लिस्ट निकाल दिया। कट ऑफ आज तक कहीं फौज में, यहाँ जितने भी लोग हैं बताइएगा, कभी 11 नंबर कट ऑफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, मेरा कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा था, लेकिन निकाल दिया, 11 नंबर कट ऑफ बढ़ गया। अगला बार फिर से फर्स्ट बार कोस्ट गार्ड ने 55 नंबर कट ऑफ किया, मेरा मार्क्स 65 था, फाइनल मेरिट लिस्ट 66 बना। दूसरा बार और ज़्यादा उससे मेहनत किया, 23 बार रिटर्न आंसर में 69 नंबर लाए 110 में से, तीसरा फाइनल मेरिट लिस्ट 70 पर बना। तो वो स्टूडेंट के जीवन में चलते रहता है, और इसी से आगे आप पढ़िएगा, इसी से एक सिलेक्शन होने के लिए रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है। और आगे तो अभी 6 महीना प्लस 11 महीना का ट्रेनिंग है, 6 महीना बेसिक ट्रेनिंग, 11 महीना ट्रेड ट्रेनिंग, तो 11 साल अभी तो मेरा 22.5 साल है, उसके बाद 23-24 साल के एज में सोच रहे हैं सीपीओ का ही मेरा एक चांस बचेगा, और सीजीएल, यही तो एग्जाम का अभी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरा इसी बार ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने वाला था, और इसको देते और निकालते भी पूरे दमखम से, लेकिन हमारा कुछ और मर्जी है, वर्दी पहनाने का मर्जी था, बीएसएफ में हो गया सिलेक्शन, पढ़ लो चाहे कहीं से वर्दी मिलेगा। कोई माँ बाप ऐसा मोटिवेट किया हो, जा ठोकर लगा हो? लाइफ का मेरा मोटिवेशन वही था, जितने भी लोग हमको ताना मारते थे मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था। आज तो बोले कि पटना में रह रहे हैं, घर के हुए मुझे 28 साल हो गया है, और अभी भी सिलेक्शन हो गया, कल रिजल्ट आया, आज भी घर नहीं गए, कल जाएंगे और उन्हीं लोगों को सबसे पहले चेहरा लग दिखाना है, और जो बोला था सबको 1 किलो रसगुल्ला देंगे, तो जो बोला था उसको 2 किलो देंगे। ये नहीं कि किसी का 1 लाख महीना होगा, पिताजी का शायद होगा, मान सकते हैं, लेकिन जो भी आया होगा उसका सबसे लोएस्ट इनकम होगा, क्योंकि यहाँ जो भी संस्था चला रहे हैं भैया, ये इतना मतलब कम प्राइस में संस्था शायद कोई पटना में चलाता हो, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ऐसा बताइए जो जिसको लगता होगा कि पढ़ाई छोड़ दे, जैसे उसके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता है तो वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और लोग के साथ भी होता है, क्योंकि जनरली जो चीज़ है फिजिकली या हर चीज वो सबके साथ आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि और लोग को भी ये मोटिवेट करे वो अपना आगे का पढ़ाई कर सके। यहाँ पर फीस काफी कम लगता है, इसी कारण तो हम यहाँ आए थे, मेरे पास भी तो पैसा ज्यादा नहीं था। इसके बावजूद भी अगर आपको पटना में रहना है तो भी कम से कम 3-4 हजार महीना चाहिए। कुछ परिवार ऐसा भी होगा जिसका महीने का इनकम भी 3 हजार नहीं होगा, जो भैया एक चीज चलाते हैं ट्यूशन वाला करके, जिसमें से लड़का लोग को अगर यहाँ पर आए और उसको घर से मदद नहीं मिल रहा है तो वो भैया ट्यूशन भी दिलाते हैं सबको, तो चाहेगा तो आकर के रजिस्ट्रेशन करा करके भैया से ट्यूशन भी ले सकता है और आगे का अपना प्रिपरेशन जारी रख सकता है, ये चीज़ तो काफी हेल्प होगा। ट्यूशन के माध्यम से, अरे हम लोग में खर्च क्या है, 2000-3000 रुपये खर्च है, वो ट्यूशन से मिल ही जाता है। हम भी अभी ट्यूशन ही पढ़ा करके यहाँ करा रहे थे, 2400 रुपये हमको देता था, 2400 रुपये रूम का लगता था, जिसमें हम लोग 4 लड़का रहते थे, 600 रुपये उधर पढ़ा, 400 रुपये लाइब्रेरी का, वो भी दिए कभी कभी कुछ कम ही दिए, 1000 रुपये हुआ, बाकी ऐसे सोच करते थे हम। आप लड़कियां कुछ सवाल पूछना चाहती हैं?
देखिए हर हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है और कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। स्ट्रेंथ को इतना पर स्ट्रेंथ को जैसे कोई भी चैप्टर के पढ़ाई के रिगार्डिंग पूछ रहे होंगे आप, स्ट्रेंथ आपका क्या है? जैसे स्ट्रेंथ जैसे हम खुद पढ़ते थे तो मेरा स्ट्रेंथ मैथ में था और रीजनिंग था, लेकिन मेरा वीकनेस था जीके जीएस और इंग्लिश। तो हम उधर तो मैथ और इंग्लिश रीजनिंग पर काफी ज्यादा टाइम हम नहीं देते थे। सिलेबस खत्म हुआ बस एक आध एक घंटा मॉक लगा लिए और थोड़ा बहुत एक आध वीडियो देख लिए, बस उतना ही करते थे। लेकिन वीकनेस पर स्ट्रेंथ को इतना मत ध्यान कम मत दीजिए कि वो और ज्यादा कमजोर आपका हो जाए। स्ट्रेंथ को एक लेवल में रखिए और जो आपका वीकनेस है उसको और थोड़ा सपोर्ट करके ऊपर उठाइए ताकि वो बराबर में आ जाए। फिर इसी को हम लाइफ में चेंज करते हैं, इसी को लाइफ में आप चेंज करते हैं। आपके लाइफ में कोई ना कोई बहुत जबरदस्त वीकनेस अरे घुमा के रख लो, ये फोन आता है डिस्टर्ब होता है, सीधे ये अभी पढ़ रहे हैं नहीं तो दूसरा ढूंढ लो। Love is part of life, not the heart of life. एक छोटा सा हमारे पास गोल्ड तो नहीं है लेकिन गोल्ड प्लेटेड है, ये छोटा सा मेडल दिया जा रहा है लाइब्रेरी की तरफ से सम्मान। उम्मीद है कि आप बीसेप जा रहे हैं तो वहाँ गोल्ड वोल्ड बहुत चीज मिलता है, तो लाए हमारे लाइब्रेरी के बच्चों को दिखाएं। और उम्मीद रहेगा कि आपके ट्रेनिंग आए, आप ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी मिल रहा है उस टाइम बताएं कि ट्रेनिंग में क्या होता है आपके साथ, और उसके बाद आज अभी तो आप स्टूडेंट ही हैं, आफ्टर लाइफ चेंजेस क्या होता है, पैसा मिल रहा है या नहीं दे रहा, अभी सब बताएंगे। और उम्मीद है कि आप दोबारा लाइब्रेरी आए हमारे पास, जैसे बाकी बॉबी तिवारी प्रधान जो भी गए सारे बाकी बच्चे लौट के आते हैं, आप लोग से वेट करते हैं। अगले मंथ हम 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाएंगे, लेकिन 3 महीने के लिए अगले मंथ हम 6 महीने के ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, हो सकता है लिस्ट तो जारी नहीं किया कि सर ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, लेकिन रेडियो ऑपरेटर का ट्रेनिंग बेंगलोर में होता है। अगर हम बेंगलोर जाते हैं तो 3 महीने के बीच में एक मिड टर्म मिलता है 15 दिन का, उस मिड टर्म में फिर हम जरूर आएंगे लाइब्रेरी। भारत माता के यही खत्म करते हैं, और अगर आप लोग पर सवाल होगा तो इनका नंबर दे देंगे, आप लोग इनसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए।